मेरे घर वाले ने मेरे को भी घर से मेरे भगा दिया। बोले अगर तू जब सुधर के आएगा तब भी ये घर में आना, नहीं तो फिर घर में तू कदम मत रखना, मेरे लिए तू मर गया आज से। इस सब का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे करके पहले तो मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई। माँ ने तो जन्म दिया था तो वो दूर नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरी बीवी की वजह से मेरी बच्ची भी मुझसे दूर गई। जेल गए तो वहाँ नहीं मिला, तो वहाँ पर भी नींद नहीं आती थी, तो भाई लोग के साथ मिलके चरस गांजा जो भी मिला वो पी ली। तो ये एक मेजर शिफ्ट है कि शिफ्ट टुवर्ड्स सिंथेटिक ड्रग्स, और इसमें सेकंड एक एस्पेक्ट आता है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स का प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है। MD जो है इन दिनों काफ़ी यानी मार्केट में देखने को मिला है। हमने अब तक 25 सिंडिकेट्स ऐसे बर्स्ट किए हैं जिसमें कुछ नाइजेरियंस भी है, कुछ फॉरेन नेशनल्स है, टंजानियंस। कम उम्र के बच्चे ड्रग्स के अधीन हो रहे हैं और उनकी संख्या करोड़ों में पूरे भारत में। 13,000 लोगों को हमने पकड़ा है, 53,000 करोड़ यानी 53,000 करोड़ का ड्रग्स हमने जब्त किया है और उसको हमने नष्ट किया है। मैंने बीड़ी और सिगरेट से पहले चालू किया, उन्होंने मेरे से बिना पूछे उसमें मतलब ड्रग्स डाल दिया। मेरा एकदम अजीब सा लगने लगा, मेरा पूरा दिमाग हिल गया, मेरा मतलब पूरा सो गया था, पूरा नशे में आ गया था। तो वहाँ पे हमारे इलाके में एक टेम्पो है खाड़ी में, वहीं पे मैं सो गया था। तो फिर मेरे अब्बू आए, मेरे को उठा के लेके गए, फिर मेरे से सवाल जब के मतलब बोलते ड्रग्स करता बीड़ी सिगरेट कर रहे थे, एक बार देखो माफ़ भी कर देता, मतलब तो इतना बड़ा ड्रग्स इतना बड़ा हो गया तो ड्रग्स लेने लगे 14 साल की उम्र में। तो उस टाइम मेरे घर वाले ने मेरे को भी घर से मेरे भगा दिया। बोले अगर तू जब सुधर के आएगा तब भी ये घर में आना, नहीं तो फिर घर में तू कदम मत रखना, मेरे लिए तू मर गया आज से। ये किशोर अपना करियर संवार सकता था, लेकिन ड्रग्स ने इसकी संभावनाओं को पटरी से उतार दिया। मैंने व्हाइट पाउडर किया है, बटन किया है, बाटला किया है, चरस किया है, घास का किया है, शराब का किया है। इस सब का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे करके पहले तो मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई। माँ ने तो जन्म दिया था तो वो दूर नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरी बीवी की वजह से मेरी बच्ची भी मुझसे दूर गई। मेरा एक जो स्टैंडर्ड था मेरे एरिया में, वो मेरा स्टैंडर्ड गिरने लगा, क्योंकि उसका इफेक्ट जो नशे का इफेक्ट था वो मेरे काम पे पड़ता था। मैं 2-3 दिन काम पे नहीं जाता था, नशा करता था, तो नशा इतना हैवी डोस हो जाता था और मैं हाइपर हो जाता था। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, किसी को भी मार देना, ये सब एकदम कॉमन चीज़ें हो गई थी। ये शख्स अपने परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन नशे की लत में इसकी ज़िंदगी भटक गई। नशा करते तो मारा मारी भी अपने आप हो जाती थी, तो पुलिस केस भी हुआ। अंदर गए तो गर्दुल्ले मिल गए, अब अंदर गए तो नींद नहीं आती थी तो गरद पी लिए। जेल गए तो वहाँ नहीं मिला, तो वहाँ पर भी नींद नहीं आती थी, तो भाई लोग के साथ मिलके चरस गांजा जो भी मिला वो पी लिए। जेल के अंदर वहाँ मिलता था। ये आदमी ड्रग्स के दलदल से निकल सकता था, लेकिन जेल के भीतर ड्रग्स का दलदल कहीं ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग उम्र की ये तीन कहानियाँ ड्रग्स से बर्बाद हुई सिर्फ 3 जिंदगियों की नहीं बल्कि हजारों लाखों की है। जो कभी आबाद थे वो बर्बादियों के दलदल में फंसे चले गए, बस एक कष्ट की तलब है। ड्रग्स का ये दलदल इतना खतरनाक है कि उसमें धंसे तो निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि माया नगरी नशे की माया में बेहिसाब उलझती जा रही है। नए साल के ठीक एक दिन पहले ठाणे क्राइम ब्रांच ने कासर बड़ौली के मैंग्रोव्स की झाड़ियों में रेव पार्टी पर छापा मारा, तो वहां 90 युवक और 5 युवतियां नशे में डूबे मिले। पुलिस ने मौके से चरस, LSD, SKC पिल्स और गांजा जैसे ड्रग्स भी बरामद किए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा साल 2019 के सर्वे के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ लोग नशे के आदी हैं। एक अन्य सर्वे में तो पंजाब का हर 7वां शख्स नशे में डूबा है, इसलिए नशे का दूसरा नाम उड़ता पंजाब कहलाया गया। पर अब जब महाराष्ट्र में ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी जाने लगी हैं, तो सबसे अमीर राज्य पर भी सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र भी ड्रग्स का हब बन चुका है। देखिए, मूल रूप से ड्रग्स की जो समस्या है ये पूरे देश में है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसके मद्देनज़र हमारे जो देश के गृह मंत्री है श्री अमित भाई शाह, इन्होंने सारे राज्यों के गृह मंत्रियों की
और डीजीज की एक कॉन्फ्रेंस ली थी और इस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि हम लोग सारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से ड्रग्स के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे और उसके चलते महाराष्ट्र में हमने बहुत जोरों से कार्रवाई शुरू की है। मुंबई पुलिस की साकी नाका पुलिस ने नासिक में जाकर नशे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी जहां 300 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया। एनसीबी ने पुणे के जंगल में दो ऐसी ही फैक्ट्रियों से 50 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया तो सोलापुर में भी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री हाथ लगी जहां मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर 100 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया। संभाजीनगर में भी फैक्ट्री मिली, DRI ने रेड कर यहां से 250 करोड़ का नशीला पदार्थ पकड़ा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस पालघर के एक फार्म हाउस पहुंची जहां ड्रग्स बनाया जा रहा था। छापेमारी में 38 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। करोड़ों करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी बताती है कि लाखों लाख जिंदगियों की बर्बादी की कहानियां कैसे लिखी जा रही हैं। ये हमारा साकिना का पुलिस स्टेशन का केस था जो हमने शुरुआत में 10 ग्राम का MD हमें मिला था, उसने हमने आगे के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सब हमने ये कार्रवाई किया। उसमें हमारा जो सबसे बड़ा कार्रवाई था वो नासिक में हमने किया, तकरीबन उसमें 300 करोड़ से ज़्यादा का MD जो फैक्ट्री था वो हमने पकड़ा, बस्ट किया। उसमें मेन आरोपी सबको अरेस्ट किया, उसमें तकरीबन अभी तक हम 20 आरोपी अरेस्ट कर चुके हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। उसमें जो एक मेन आरोपी है जो पुणे पुलिस की कस्टडी से जो निकल गए थे उसको भी हमने अरेस्ट किया है। कुछ महीने पहले दो फैक्ट्रीज बस्ट की थी पुणे डिस्ट्रिक्ट में, एक थी अंबेगांव तालुका में और एक थी शिरूर तालुका में, जहाँ पे लोकली अल्प्राजोलम बनाया जाता था और वो महाराष्ट्र में और तेलंगाना में बेचा जाता था। तो फर्स्ट टाइम एक थोड़े से दूर दराज के एरिया में फैक्ट्री पाई गई, दो फैक्ट्रियाँ पाई गई जिसका कॉमन पॉइंट ये था कि दोनों सेल्फ सफिशिएंट थी, मतलब कहीं बाहर से लाइट कनेक्शन नहीं लिया गया था, जनसेट था, सेल्फ सफिशिएंट था। जो स्मेल आता है केमिकल्स का उसको छुपाने के लिए सोक पिट्स बनाए गए थे जो डीप थे काफ़ी, पोल्ट्री के बगल में बनाया गया था तो आसपास के लोगों को पता नहीं चल रहा था। खास बात है कि ड्रग्स के खिलाफ इन सभी बड़ी कार्रवाइयों में सिंथेटिक ड्रग्स ही बड़ी मात्रा में पकड़ी गई हैं, जो नशे की काली दुनिया के तेजी से बदलते ट्रेंड को दर्शाती है, जबकि इसके पहले पारंपरिक ड्रग्स का ही ज्यादा चलन था जिसमें गांजा, कोकीन, अफीम और हीरोइन शामिल है। ड्रग्स के बदलते पैटर्न को समझने के लिए आप पहले ड्रग्स तस्करी के रूट मैप को समझिए। भारत में विदेशों से ड्रग्स तस्करी के दो रूट हैं, एक गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से अफीम भारत आती है, दूसरा गोल्डन क्रिसेंट जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हीरोइन भारत लाई जाती है, जबकि कोकीन साउथ अमेरिका से आती है और यही ड्रग्स की आमद अब महाराष्ट्र को उड़ता महाराष्ट्र बना सकती है। इंडिया के लेफ्ट में और राइट में डेथ क्रिसेंट, डेथ ट्रायंगल जो बोलते हैं, इंडिया सैंडविच बिटवीन दीज टू रीजन्स, ये हमारे जो डिस्टर्ब नेबर्स है जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब है, ये इसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम मोर और लेस इज ड्रग्स, मोस्टली हीरोइन एंड मेथम्फेटामाइन। सो इन दोनों के बीच में इंडिया है, तो इंडिया का हमेशा ही इस्तेमाल किया गया है कि ये वहाँ से ड्रग्स आती थी, इंडिया में स्टोर होती थी, अलग अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल भी इंडिया में बढ़ने लगा है। सो ये ज्योग्राफिकल पोजीशन एक है और इंडिया के जो ट्रेड रूट्स है जैसे समुद्री ये जो है ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अच्छी मात्रा में इंडिया में होता है। आप देखेंगे JNPT है, अलग अलग पोर्ट्स है, इसमें जो बड़ी मात्रा में कंटेनराइज कार्गो आता है उसमें भी काफ़ी केसेस हुए हैं। फिर जैसे एयरपोर्ट्स है इंडिया के, ऐसा कोई देश ही नहीं होगा जहाँ से मुंबई या फिर दिल्ली या फिर बेंगलोर जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़, कलकत्ता, ये कनेक्टेड नहीं है। सो इसका भी दुरुपयोग ह्यूमन कैरियर्स या फिर लगेज कैरियर्स में ड्रग्स के लिए होता है। गांजा जो मुंबई में आता है वो जो हमने बड़ी कार्रवाई की है रिसेंटली, जिसमें एक बड़ा आरोपी हमने अटक किया है, वो उड़ीसा से आता है। तो उड़ीसा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य है वहाँ पे गांजा की अवैध खेती की जाती है। उसी तरीके से कोकेन जो है ये मेनली कोका वनस्पति से कोकेन बनता है और ये साउथ अमेरिका से आता है। उसी तरह हीरोइन जैसे है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से आता है। तो हर एक ड्रग्स जो है वो अलग अलग जगह से आता है। चरस आप देख लेंगे, मनाली चरस है, रिसेंटली हमने कश्मीरी चरस की कार्रवाई की है, अब तक हमने लगभग 15 से 20 किलो चरस मुंबई में पकड़ा है। तो चरस मनाली है, नेपाल है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ से आता है। जानकार बताते हैं कि हिंदुस्तान पहले ड्रग्स तस्करी का सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट था, लेकिन अब यहाँ सेवन बहुत बढ़ गया है तो खपत भी होने लगी है। लेकिन हाल फिलहाल की बड़ी कार्रवाइयों से साफ है कि ड्रग्स का भी ट्रेंड बदला है। पारंपरिक ड्रग्स की जगह अब सिंथेटिक ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, जिसे डिजाइनर ड्रग्स भी कहा जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स में मेफेड्रिन, MDMA, अल्प्राजोलम, इफेड्रिन, कोडीन, केटामाइन और LSD स्ट्रिप्स मुख्य हैं।
तो ये एक मेजर शिफ्ट है कि शिफ्ट टूवर्ड्स सिंथेटिक ड्रग्स। और इसमें सेकंड एक एस्पेक्ट आता है कि लोकली मैन्युफैक्चर ड्रग्स का प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में अब तक इतनी फैक्ट्री एक साथ पकड़ी नहीं गई थी, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इसकी डिमांड महाराष्ट्र में है ही, इसलिए इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और महाराष्ट्र एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉजिटिव सेंस में पहले से ही है, लेकिन उसका दुरुपयोग जो है वो ड्रग्स के लिए बढ़ रहा है। दो तीन चीज़ें हैं, एक इजीली जो है जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो उनको मिल जाता है, फिर इसमें बनाने की प्रोसेस है वो भी काफ़ी सारे लोग इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरा इसमें जनरली प्रॉफिट एंगल भी लोग देखते हैं, तो इसको देखते हुए एमडी जो है इन दिनों काफ़ी यानी मार्केट में देखने को मिला है, और उसी को देखते हुए आप देखेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम कार्रवाई एमडी के खिलाफ है। हमारी सबसे बड़ी कार्रवाई है जो 300 करोड़ से ज़्यादा की, वो भी एमडी फैक्ट्री के खिलाफ। ड्रग्स की बात आते ही बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की तस्वीर आँखों के सामने घूमने लगती है। फिल्मी सितारों की पार्टियों पर नशे के उठते सवाल उसकी तरफ इशारा करते हैं। पीछे से काम करता है अंडरवर्ल्ड। इस गठजोड़ में नशे का सुरूर भी है और काली कमाई का मौका भी। ड्रग्स तस्करी में कभी इकबाल मिर्ची एक बड़ा नाम हुआ करता था, उसके बाद पाकिस्तान में बैठे जावेद चिकना का नाम है, लेकिन भारत में ड्रग्स तस्करी में वर्तमान में कैलाश राजपूत का नाम सबसे बड़ा बताया जा रहा है। हालांकि जांच एजेंसियों का दावा है कि वर्तमान में नशे के धंधे में अलग अलग कई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट काम कर रहे हैं, जो बंद पड़ी फार्मास्यूटिकल यूनिट को किराए पर लेकर एमडी के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक नेटवर्क रखते हैं। ड्रग्स नेटवर्क की सबसे निचली कड़ी को बेचैन कहते हैं, उसके ऊपर ड्रग्स पैडलर और फिर स्मगलर होते हैं। मुझे लगता है ये एक ही क्राइम है जो बॉर्डरलेस क्राइम जिसको हम लोग बोलते हैं, कि मतलब कोई बॉर्डर नहीं है, इसके देशों की कोई बॉर्डर इस ड्रग ट्रेड में देखी नहीं जाती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट इजी मनी के लिए इसमें पाया गया। एनसीबी ने भी काफ़ी केसेस किए जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का रोल दिख रहा है साफ तौर पर, क्योंकि इसके आगे सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग को इंडिविजुअली ना देखते हुए अगर बड़ी मात्रा में देखेंगे तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स फिर ड्रग का पैसा अलग धंधों में जमा करना या फिर उससे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ खरीदना, उसको अलग अलग देशों में पार्क करना, ये दिखा गया है। हमने अब तक 25 सिंडिकेट्स ऐसे बर्स्ट किए हैं जिसमें कुछ नाइजेरियंस भी है, कुछ फॉरेन नेशनल्स है, टंजानियंस, उनको भी हमने पकड़ा है, और उनसे भी इस साल हमने 7 करोड़ के करीब हमने ड्रग्स जब्त किए हैं। अभी हम कुछ जगह हम ऐसा भी देख रहे हैं जो बॉडी ऑफेंडर्स हैं, जो आईपीसी के अलग अलग धारा में बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस करते हैं, वो लोग भी आजकल ड्रग्स में इजी मनी के कारण स्मगलिंग में देखे जाते हैं। बदलते जमाने के साथ ड्रग्स का ट्रेंड बदला है तो बेचने और वितरण का तरीका भी। संपर्क के लिए सोशल मीडिया और डार्कनेट, तो वितरण के लिए ह्यूमन कैरियर की जगह अब कुरियर सर्विस वालों का इस्तेमाल बढ़ गया है। हाल ही में एनसीबी और पुलिस ने ऐसे कुछ कुरियर सर्विस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। पहले माना जाता था कि ड्रग्स का नशा सिर्फ बड़े लोगों का शौक है, लेकिन अब तो छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। हाल ही में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो अपना है सेंट्रल का, उन्होंने एक सर्वे करवाया एक हॉस्पिटल से, और उस सर्वे में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, और बहुत गंभीर है, और हमारे लिए तो बहुत गंभीर है क्योंकि हम इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। इसमें जो आंकड़े आए उसमें 10 साल से उम्र से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चों की कम उम्र के बच्चे ड्रग्स के अधीन हो रहे हैं, और उनकी संख्या करोड़ों में पूरे भारत में। ड्रग्स की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों सख्त हुए हैं। इस पर राष्ट्रीय चिंता कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशे के उड़ते कारोबार को लेकर बेहद चिंतित हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। इसको लेकर केंद्र से राज्य स्तर पर कार्रवाई की कोशिश भी हो रही है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू हुई है। मैं अगर मुंबई की आपको बात बताऊं तो मुंबई में विशेष रूप से हमने स्कूल और कॉलेजेस जो है इसके आसपास 2000 ऐसे पान टपरिया या छोटे दुकान, जहां ये संशय था कि जहां से ड्रग्स का सप्लाई होता है, लोग जहाँ पर खरीदते हैं
उनको हमने तोड़ दिया, उनको नष्ट किया है। और इतने बड़े पैमाने पर केसेस हुई है, आपको आश्चर्य होगा कि करीब 23,000 केसेस हमने पिछले 6-8 महीने में किए हैं, 13,000 लोगों को हमने पकड़ा है, 53,000 करोड़ यानी 53,000 करोड़ का ड्रग्स हमने जब्त किया है और उसको हमने नष्ट किया है। देश में ड्रग्स के खिलाफ NDPS जैसा कड़ा कानून भी है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती ड्रग्स के खिलाफ जन जागृति और नशा मुक्ति की है। महाराष्ट्र में नशाबंदी मंडल की स्थापना 1958 में संत तुकड़ोजी महाराज ने की थी। तब से मंडल सालाना 800 के करीब लोगों को नशा से मुक्ति दिलाते हैं, उनमें से 60 के करीब ड्रग्स लेने वाले होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मंडल को मिलने वाली अनुदान राशि आज भी वही है जो 60 साल पहले थी। ऐसे में सवाल है कि नशे के दलदल में धंसे लोगों को मुक्ति मिलेगी कैसे? क्योंकि ड्रग्स का नशा बहुत खतरनाक होता है, वो शुरू तो बहुत धीरे 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 शुरू हो जाता है और वो इतने हद तक चला जाता है कि लेते वक्त जितनी तकलीफ होती है ना, उससे ज़्यादा दुगना तिगना तकलीफ वो छोड़ते वक्त होती है। इसमें लोग काफ़ी हाइपर हो जाते हैं नशा करने के बाद, तो वो भी हमें संभालना पड़ता है। और एक बार वो कन्विंस हो गया कि हाँ मुझे इससे बाहर निकलना है, तो फिर हम लोग समुपदेशन के और लेके जाते हैं, फिर उसे नशा मुक्त केंद्र पर हम लोग एडमिट कर देते हैं और धीरे धीरे वो राह पर चलना शुरू कर देता है। ये नशाबंदी मंडल का ही कमाल है कि कभी नशे के लत में अपना जीवन बर्बाद कर चुके ये 3 शख्स आज नशा के खिलाफ जन जागृति अभियान का प्रमुख चेहरा है। ये मैंने इतनी ठोकरें खाई है, ये मुझे लात पड़ चुकी है, ये मैं हूँ, ये मैं कल था, ये मैं कल ऑफिसर था, मैं 40,000 रुपये सैलरी लेता था, आज मेरे पास खुद का रहने का घर नहीं है, आज मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ काम करता हूँ, तो वहाँ पे एज अ वॉचमैन रात को वहीं पे सो जाता हूँ, वहीं पे 2 टाइम का खाना फ्री में मिलता है। तो मतलब एक ऑफिसर का लाइफ और एक वॉचमैन का लाइफ, ये मेरे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है। तो अगर आपको नहीं करना है तो ये आप देखो, मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं दिखाता हूँ कि ये मैं था, ये मैं हूँ। अभी नशे को से बचाते हैं लोगों को, जिसमें मतलब मेरी मेहनत को देख कर ये मेरे साथ वालों ने मुझे धारावी नशा मुक्त अभियान का अध्यक्ष बना दिया। और माशाल्लाह इतना इंशाल्लाह हम लोग ने अच्छा काम किया है कि आप धारा में मैं बोलना बड़ी बात हो जाएगी, आप जाके खुद पूछ लो 22 से 23 ड्रग्स डीलर MD के और ये कॉर्क जो चलता है बाटला जिसको बोलते हैं, इनके डीलर व्यापारियों को रिटेलरों को सबको अंदर कराया हमने। मैंने नशे छोड़ दिया, फिर मेरे घर वाले मेरे ऊपर अभी विश्वास करते कि हाँ ये पढ़ेगा लिखेगा, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब ये जो बनना चाहेगा उसको बनाएंगे। तो मेरा भी गोल है IAS बनने का, UPSC करने का। ड्रग्स की समस्या एक राज्य प्रांत तक सीमित नहीं रही, इसकी जड़ें देश में फैल चुकी हैं। हमारा भविष्य नौजवान जाने अनजाने में अपना जीवन तबाह कर रहा है, नशे की लत से अजब गजब अपराध भी जन्म ले रहे हैं, सप्लायर्स पर नकेल पुलिस एजेंसियों का काम है, पर शुरुआत घर से करनी होगी, क्योंकि जब तक डिमांड कायम है सप्लाई का तरीका अपराधी निकाल ही लेते हैं। जरूरत इसी मकड़जाल को खत्म करने की है।